समझ में आया कि चींटियों की लाइफ कितनी डिफिकल्ट होती है। गहना भाभी, निम्मी भाभी, भाभी, चिल्लाते चिल्लाते मैं तो ऐसे बूढ़ी हो जाऊंगी, लेकिन मेरी आवाज इन तक पहुंच ही नहीं पाएगी और ना ही इनका ध्यान मुझ पर जाएगा। कुछ और करना पड़ेगा मुझे। शायद भाभी देखते हैं मुझे। गहना भाभी, भाभी मैं यहाँ पर, देखो मुझे। बस बस मासा, ये सलाद खाइए ना, बहुत अच्छा बना है और सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। ओहो, तेनू पता नहीं है मम्मी जी को सलाद पसंद नहीं है। लेकिन ये तो बहुत स्वादिष्ट लगता है, थोड़ा चक्कर देखते हैं। मैं तो यहाँ से बाहर निकल भी नहीं सकती, अगर उस नागिन ने मुझे देख लिया ना तो सच बोलने से पहले पता नहीं कौन सा जादू कर देगी मुझ पर। मैं क्या करूं? मासा नहीं, मासा, मासा खाना मत, मासा लवली, मासा नहीं, मासा, मासा बिंदड़ी, तूने तो हमें डरा ही दिया। देखा, सही कहा था कि हम सलाद नहीं खाते ना, इसलिए छींक भी आ गई। आप तो जाइए यहाँ से। ओए क्या? मगर तो इतना सारा काम अकेले कैसे करेगी? हम लोग हैं ना, बात समझ। भाभी मैं कर लूंगी, इसे परेशानी क्या है? आप लोग बस जाइए और जाके आराम कीजिए। तो बात ही समझ ली। अरे आप लोग जाइए ना, अरे आप लोग जाइए, जाइए। सुबह का सारा काम हो गया, अब जाके जरा देखो तो सही कि लवली की क्या हाल है। लवली, ये ग्लास है ना, छू। हाँ
इतना सारा काम इतनी जल्दी कैसे किया? जादू से। और कैसे? ओए लवली, ये मजाक की बात नहीं है। ओए, जिस काम को हम पांचों को मिलकर करने में 1-1.5 घंटा लगता है, उसे तूने इतनी जल्दी फटाफट कैसे कर दिया? भाभी, क्या है ना, जब हम लोग मिलके काम करते हैं ना, तो काम कम और गप्पे ज्यादा होते हैं, इसलिए टाइम लग जाता है। आज मैं अकेली थी, इसलिए सारा काम फटाफट कर लिया, बस हो गया। ये फटाफट वाली बात सही है, लेकिन ना मुझे ये बात नहीं समझ में आई। भाभी छोड़िए ना, काम हो गया, सफाई हो गया, परेशान क्यों हो रही है? अब जाइए जाइए। हाँ, मैं कर दूंगी, आप जाओ जाओ जाओ। पापा जी, कुछ जल्दी से काम ही निपटा लिया इसने, फुर्तीली कब से हो गई? बिट्टू जी, आप ना ये क्या कर रहे हैं? तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। हाय रब्बा, ये कब से हो गया? ऐसा भी कौन सा काम कर रहे हो जो मेरी समझ के बाहर है? ये जरूरी तो नहीं है ना कि हमारी हर बात तुम्हारी समझ में आए। तुम जाकर अपना काम करो, हमें अपना काम करने दो। हालत देखिए कमरे की, कितना गंदा हो रखा है। पर बिट्टू जी, कमरा तो ठीक ही लग रहा है। तुमसे बहस करके तो कोई फायदा ही नहीं है। लवली कहाँ गई? लवली, किसी की नजर पड़े उससे पहले मुझे ढूंढना पड़ेगा उसे। ये मुझे क्या हो रहा है? चलने लगा है उनका, और दिल ने तो जैसे काम करना बंद ही कर दिया। बहुत बदल गए मेरे बिट्टू जी, मैं कह रही हूँ ना, इससे अच्छे तो पहले ही थे। नहीं नहीं भाभी, ऐसे उदास नहीं होते। हाँ, किसी टेंशन में होंगे, वो इसीलिए मुंह से निकल गया होगा। अरे वरना बिट्टू जी अपनी निम्मी देवी जी का दिल दुखा सकते हैं कभी? हाँ, हे भगवान, मैं कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ, मैं क्या करूँ, मेरी हेल्प कौन करेगा, किसको कहूँ मैं? अरे अन्नू, मैं सच कहता हूँ, आज मैं बहुत थक गया। आज टीचर ने कितना सारा होमवर्क दिया था भाई। अब तो कंप्लीट हो गया ना, तो चलो लेट्स हैव फन। अरे अन्नू, हमने कितने दिन से डांस नहीं किया, चलो आज करते हैं। This
जरूर बच्चे ही होंगे, चल के देखते हैं। अभी भी है जवानी, राजी है पुरानी, तेरी जवानी हनी जी। ये लवली की बच्ची कहाँ गायब हो गई? कहाँ ढूंढूं मैं इसे? करो ना थोड़ा मन मानी जी। अभी भी तेरे गाल गोरे गोरे, लाखों दिलों पे जाले डोरे डोरे, देखो दीवाने हुए जा रहे हैं, आधे उम्र के भी छोरे छोरे, अब बालों की सफेदी से भी का कब हुआ है रोमांस? आंटी जी, get up and dance. आंटी जी, get up and परीक्षा नहीं तेरी? चलो जाओ, दोनों के दोनों चुपचाप जाके पढ़ो। लवली, जरा हमारे साथ चलो, हमें तुमसे कुछ बात करनी है। ओए लवली, ये क्या बात हुई? बच्चों के साथ एकदम बच्ची बन जाती है। मम्मी जी देख लेती तो। भाभी, आपके जो बच्चे हैं ना, वो बच्चे क्या, बच्चे तो बच्चे ही होते हैं ना, उन्हें इतनी समझ थोड़ी होती है, पर तू तो समझदार है। लवली, बच्चों को रोकने की बजाय तूने भी उनके साथ धमा चौकड़ी मचाना शुरू कर दिया। बच्चों की परीक्षा है तू जानती है ना, तो बच्चों को पढ़ने ना बैठा सकती थी तू। भाभी, बच्चे कब से पढ़ रहे थे, मुझे लगा उनका मन बहल जाएगा, उसके बाद पढ़ने बिठा दूंगी। और ओए, इसी तरह अगर तू बच्चों का मन बहलाने लगी ना, तो आ चुके उनके अच्छे नंबर। हाँ भाभी, आपको बच्चों के अच्छे नंबर चाहिए ना, मेरे होते हो चिंता मत करो, बच्चों के अच्छे नंबर आ जाएंगे। मैं कह रही हूँ ना, रात रानी की खुशबू न उड़े, भोले बाबा जी सब कुछ ठीक कर देंगे। नैना? नैना? नैना कहाँ है? कहाँ है मतलब? तूने अभी अभी बिल्कुल नैना के जैसे बात की। ओए हाँ, बिल्कुल उसी लहजे में। ओए लवली, तुझे हो क्या गया है? तू कब से नैना की तरह बात करने लग गई? भाभी क्या है ना, कब से नैना हमारे साथ रह रही है, और दिन भर कचर कचर करते करते मेरे कान खा जाती थी, और बस उसका वो जो रंग है ना, वो मेरी जुबान पर चढ़ गया। लेकिन आप लोग चिंता मत करो, नैना जा चुकी है, उसका जो रंग है ना, ये भी अपने आप उतर जाएगा। हाँ, तो अब मैं जाऊं? मैं चलती हूँ। लवली को हो क्या गया आजकल? लवली, क्या ढूंढ रही हो बेटा? बाबूजी, वो मेरी बालिक हो गई है, वही ढूंढ रही हूँ। अरे तो यही कहीं होगी, ढूंढ लो, ढूंढो उसको। हाँ। भगवान, मैं क्या करूं? नैना की सच्चाई किसे बताऊं? मैं कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं किसे कहूं?
हो तुम? वो मेरी बालिक हो गई, उसे ढूंढ रही हूँ यहाँ पे। बालिक हो गई थी तो मुझे बता दिया होता, मैं ढूंढ देती। ऐसे किसी के पर्सनल स्टफ को टच करना फेयर नहीं है लवली। देखो बेकार की बातें मत करो, मेरी बालिक हो गई है, उसे ढूंढने आई हूँ, चोरी करने नहीं आई हूँ। और अगर मेरी बाली नहीं मिली ना तो उसकी जगह मैं आपकी बाई लेकर भाग नहीं जाऊंगी, समझ में आया आपको? How dare you? तुम मुझसे ऐसी बात कैसे कर सकती हो? हाँ तुम्हें पता है ना तुम गलत हो, तुम्हारी वजह से मेरे रूम की ये हालत हुई है। नैना फिर करती ना तूने गड़बड़, रात आने की खुशबू ना उड़े, तू ऐसी जंगलियों की तरह बर्ताव करती रहेगी ना तो अब तक जो प्यार हासिल किया है सबका वो सब हार बैठे। लवली मुझे तुमसे ऐसी होप्स नहीं थी। भाभी मुझे भी नहीं थी, वो क्या है ना घबराहट के मारे मुंह से कुछ भी निकल गया, मुझे माफ कर दो और प्लीज मेरी बाली ढूंढने में मेरी मदद कर दो प्लीज भाभी प्लीज। ढूंढे? हाँ चलो। कैसी बाली थी? गोल। भाभी लगता है आपके कमरे में है ही नहीं, मैं जाके बाहर ढूंढ लेती हूँ। हाँ आप यहाँ ढूंढो। हाँ मेरी शक्तियों को क्या होता जा रहा है, इतनी कोशिश करने के बाद भी मैं लवली को ढूंढ क्यों नहीं पा रही हूँ? रखिए ले आओ मैं लेके आती हूँ। बहुत हो गया छुपने छुपाने का खेल लवली, बाहर आ जाओ लवली, मैंने तुम्हें देख लिया। कौशिक की पांच बहुएं